एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज मैं आपको हमारी अजीबोगरीब दुनिया का एक और अजूबा दिखाने वाली हूँ। एक ऐसी जगह, एक ऐसा मंदिर जिसकी मिस्ट्री आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। ये एक ऐसा मंदिर है जो आपके नॉर्मल मंदिरों से जरा सा टेढ़ा है, एंड आई मीन दैट लिटरली। नहीं मानते? दिखाऊं आपको। पर मैं आपको ये मंदिर दिखाऊं उससे पहले इससे जुड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये जो मंदिर का टिल्ट है ना, ये आपको वो वन ऑफ द सेवन वंडर्स है ना, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, उससे भी ज्यादा है इसका टिल्ट। क्या हुआ, इंतजार नहीं हो रहा ना? चलो देख ही लो भैया। ये है वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर बना श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर। लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह ये भी टेढ़ा है, पर लीनिंग टावर ऑफ पीसा तो बस 3.99 डिग्री टेढ़ा है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर उससे 5 डिग्री ज्यादा, यानी कि पूरे 9 डिग्री पर झुका हुआ है। अब आप सोचिए, ये कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब तो भाई हमारे पास भी नहीं है, ना हमारे पास और ना ही बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास। इसके बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर का गर्भगृह लगभग 6 से 8 महीने तक पानी के नीचे रहता है। इनफैक्ट बरसात के मौसम में तो इसका टॉप तक पानी में डूब जाता है। हम तो भैया ऐसे ही दुनिया भर में अजूबे ढूंढते रहते हैं यार। हमारे अपने खुद के देश में क्या कमाल की चीजें हैं, ऐसी चीजें जिनकी मिस्ट्रीज इतिहास में ही रह गई, आज तक कोई सुलझा ही नहीं पाया। और कुछ ऐसी ही हिस्ट्री है इस मंदिर की भी। इसके बारे में ना दो कहानियां हैं जो बताती है कि ये मंदिर टेढ़ा क्यों है। क्या आप जानते हैं, ये मंदिर मिड 19th सेंचुरी में जब बना था तो बिल्कुल सीधा था, पर ये टेढ़ा क्यों और कैसे हुआ, इसके पीछे की पहली कहानी तो ये है कि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन में काशी में बहुत सारे मंदिर और कुंड बनवाए, और उन्हीं में से एक मंदिर था ये वाला, जो उन्होंने अपनी दासी रत्नाबाई के कहने पर बनवाया था। रत्नाबाई ने इच्छा जताई कि वो मणिकर्णिका घाट पर एक महादेव का मंदिर बनवाना चाहती है, जिसकी परमिशन तो रानी ने दे दी, पर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मंदिर तो बनवाओ पर उसको अपना नाम मत देना। पर दासी ने फिर भी मंदिर को अपना नाम दिया, और इसका परिणाम ये निकला कि मंदिर का नाम सुनते ही रानी ने श्राप दे दिया कि इस मंदिर में अब ज्यादा पूजा पाठ नहीं होगी। इसके बाद इस मंदिर का घाट टेढ़ा हो गया, और ज्यादातर महीने साल भर के ये पानी के नीचे ही रहता है, तो पूजा अर्चना भी नहीं हो पाती। दूसरी कहानी है उस समय के राजा के एक सेवक की, जिसने राजस्थान और देश के कई पार्ट से अलग अलग शिल्पकारों को बुलाया और अपनी माँ के नाम से महादेव का ये मंदिर बनवाया। मंदिर बनाने के बाद वो अपनी माँ को वहाँ लेकर गया और कहा कि लो माँ, तुम्हारे दूध का कर्ज मैंने उतार दिया। उस सेवक के ये कहते ही मंदिर एकदम से एक साइड पर टिल्ट हो गया, जिससे ये साबित हुआ कि माँ के दूध का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। वाह भाई वाह, क्या स्टोरीज है। सच क्या है ये तो हमें नहीं पता, पर इस मंदिर को सच में बड़ी ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर, इसकी क्राफ्टमैनशिप एकदम टॉप नॉच। लीनिंग टावर ऑफ पीसा टेढ़ा है अपने खराब आर्किटेक्चर की वजह से, पर रत्नेश्वर मंदिर के केस में ऐसा नहीं है। इसकी आर्किटेक्चर में कोई कमी नहीं है, इसलिए इसका टेढ़ा होना एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। और ये आज से नहीं, कई 100 सालों से ऐसा ही टेढ़ा है। हाइट इसकी है 13 मीटर्स, वही पीसा की हाइट है 54 मीटर्स। तो भैया आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि मंदिर काफी भारी भरकम है और नीचे की तरफ बना हुआ है, तो इसलिए टेढ़ा भी है और इसलिए पानी में भी डूबा रहता है। पर जरा सोच के देखिए, इतने लंबे लंबे ड्यूरेशन तक ये पानी के नीचे रहता है, तो इसे अभी तक तो गिर जाना चाहिए था ना। पर ये तो 100 साल से भी ज्यादा साल तक उतना ही टिल्टेड है भाई, कहीं नहीं गया। यहाँ अगर आप जाना चाहे तो दिसंबर जनवरी के महीने में जाइएगा, क्योंकि तब वाटर लेवल थोड़े से नीचे होते हैं और आप इस मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। बाकी काशी में आपको ऐसे कई बेहद खूबसूरत मंदिर और कुंड और घाट मिल जाएंगे, जिनको देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। पर इस पर्टिकुलर खूबसूरत मंदिर को देखकर आपको हैरानी होगी, एक ना एक बार तो जरूर जाइएगा यहाँ। और जब जाओगे ना, तो मेरे लिए भी कुछ दुआ मांग लेना यार, आफ्टर ऑल मैंने ही तो बताया ना आपको इस जगह के बारे में। और बाकी कैसा लगा आपको हमारा ये शो, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। आपका अप्रिशिएशन ना हमें मोटिवेट करता है टू डू मोर। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।